हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दीपावली की तैयारी जोरों शोरों से सभी के घर में शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं तट्टे इडली का रेसिपी आपको बता रही हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास उदक डाल लिया था, वो रात को ही मैंने भिगो के रखा था। तो उसी में मैं एक ग्लास ही पोहा ले रही हूँ, उसको अच्छा सा धो के रखा है। और मैंने यहाँ पर जो जार लिया है ना, उसमें मैंने मक्खन डाला था, वो मलाई डालकर मक्खन निकाला था। ये देखिए मक्खन आया है, मलाई डालकर निकाला था। उसी दिन मैं मोस्टली डोसा या इडली का बैटर कर लेती हूँ, तो जार भी अच्छा सा नीट होके पूरा साफ होके आ जाता है। तो इस भगोने से मैंने मलाई निकाल के रखा था, तो वो पूरा हुआ था, तो इतना मक्खन आया था। तो यहाँ पर मैं जार में उदक दाल डाल रही हूँ और पोहा दोनों भी डाल दूँगी, एक के बाद एक डालकर मिक्सी में कर लूँगी। तो सभी के घर में दीपावली की तैयारी शुरू हो गया होगा, सफाई और सभी ड्रेस वही सब सभी लाते होंगे, है ना। हमारे घर में भी चल रहा है, सफाई अभियान शुरू है। अभी मैंने कुछ भी क्या बनाना है दीपावली में वो सोचा नहीं है, देखूँगी क्या क्या बनाऊंगी मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी उसको भी। जो स्वीट बनाते हैं और नमकीन बनाते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं उदक दाल पूरा डाल रही हूँ, उसमें रात में भिगो के रखा था 8 घंटे तक, फिर बाद में सुबह मैंने इसको मिक्सी कर रही हूँ। मुझे रात में बनाना है इडली, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर सुबह में बनाना होता तो रात को ही मिक्सी में डाल के रखती थी। तो ये दोनों डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले दाल को मिक्सी कर लेती हूँ। ये देखिए कैसे है, सभी तरफ मक्खन और चांच का रहता है ना, वो मलाई मिक्सी होने में, तो वो है। अभी उदक दाल मैंने मिक्सी में डालकर ये लेके आई हूँ मैं, इसी में मैं अभी पोहा भी डाल दूँगी। अच्छा सा धोया था मैंने 2-3 बार, क्योंकि अभी जो पोहा आता है ना उतना साफ़ नहीं रहता है, एक ब्राउनिश कलर का पानी आता है उसमें से, इसलिए 3-4 बार तो धोती हूँ मैं। ये देखिए वो भी मैंने मिक्सी में करके ले लिया, पोहा को भी मैंने मिक्सी में डाला है। अभी एक बर्तन में सूजी ले रही हूँ, इडली रवा बोलते हैं हम, इडली का सूजी, वो विजय कंपनी का था, बहुत ही अच्छा बनता है इडली, मैं इसी कंपनी का लेती हूँ, वहाँ पर लिखा है देखिए विजय। तो जिस ग्लास से मैंने उदक दाल लिया था और पोहा लिया था, उसी ग्लास से मैंने 4 ये सूजी डाल रही हूँ, 4 ग्लास सूजी डाल रही हूँ मैं। 3 ग्लास को 1 ग्लास दाल रहता है, लेकिन ये दाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बड़ा बड़ा दाने थे और मिक्सी में डालने के बाद ज़्यादा लगा मुझे वो बैटर, इसलिए मैंने 4 ग्लास तक डाल दिया सूजी, 4-4.5 हो गए, वो उतना डाल दिया मैंने। एक टाइम के लिए टिफ़िन हो जाता है और एक टाइम के लिए बच्चों को डब्बा देते हैं ना, वो हो जाता है इडली बनाकर। तो मैंने अच्छा सा वो सूजी को धो दिया, उसी में मैंने ये जो मिक्सी में डाल के रखा था ना दाल, वो डाल रही हूँ, अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए उसको भी थोड़ा पानी डाल के ऐसा मिक्स करके रखा, पूरा साफ होके आ गया जार, उतना चिकना ही नहीं रहता जार में, जो मक्खन डालने के बाद जो चिकना ही आता है ना वो नहीं रहता है, इसलिए मैं कभी भी मलाई डालना है तो फिर मलाई डालने के बाद उसमें ऐसा कुछ मिक्सी में डाल लेती हूँ तो साफ हो के आ जाता है। तो वो तो बैटर मैंने करके रखा था, ये शाम का टाइम था 7 बजे का। तो यहाँ पर मैं इडली के लिए चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कच्चा टमेटो लिया है और अदरक लिया है और ये लिया था मैंने नारियल और भुना हुआ चना, वो सब डालकर और धनिया सभी डालकर मैं चटनी बना रहे हैं। ये तो आपको पता ही है चटनी कैसे बनाते हैं।
तो भुना हुआ चना, नारियल, ग्रेटेड नारियल और कच्चा टोमेटो डाला था मैंने, नींबू नहीं डाला था उसमें, तो टेस्ट अलग आता है। नमक सभी डालकर मैंने चटनी किया था। ये देखिए चटनी होके रेडी हो गया है। ये तड़का मैंने थोड़ा बना के रखा था, मैं कभी भी खाना बनाते समय पहले थोड़ा तड़का बना के रखती हूँ तो डालने में अच्छा होता है, जल्दी जल्दी सभी काम हो जाते हैं मेरे। वो पूरा इंग्रेडिएंट आपको दिखाने लगी तो बहुत टाइम हो जाता था, 40 मिनट तक होता था, इसीलिए मैंने कट करके एडिट करके इतना इतना किया है। और जार में थोड़ा पानी डाल के रखा था, वो फिर बाद में मैं सांभर में डाल दूंगी वो पानी। वो क्या नारियल का पानी रहता है ना, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चटनी मेरा रेडी हो गया। देखिए अभी सांभर के लिए मैंने प्याज कट करके रखा था और आलू उबाल के रखा था और टमाटर लिया है और धनिया और थोड़ा नारियल जो ग्रेट करके रखा था नारियल वो लिया है मैंने। अभी ये जो तड़का मैंने बना के रखा था ना वही डाल रही हूँ। एक बर्तन लिया है मैंने, उसमें पहले प्याज भून के रख लूँगी, पहले प्याज भूनूंगी फिर बाद में ये जो मैं आलू उबाल के रखा था ना उसको स्मैश करके उसमें डाल दूंगी। दाल डाल के भी हम सांभर बनाते हैं लेकिन इस बार मैंने ऐसा बनाया था। सांभर भी दो तीन प्रकार के होते हैं, एक एक टाइम एक एक टाइप बनाएंगे तो अलग टेस्ट आता है। तो प्याज होने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाल दिया। अच्छा सा भून लेंगे उसको भी। उसी में मैंने नारियल जो ग्रेट करके रखा था वो डाल दिया। हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा नारियल यूज़ करते हैं हम, सभी में थोड़ा रहता है, ये आदत हो गया है हमें डालने का। तो फिर बाद में जो आलू मैंने स्मैश करके रखा था वो भी डाल दिया। अच्छा सा भून कर पानी डाल रही थी और ये जो जार मैंने चटनी किया हुआ था ना उसमें थोड़ा पानी डाला था, उस पानी को भी मैंने इसी सांभर में ही डाल दिया। उसमें उतना कुछ ये नहीं था ना अलग इंग्रेडिएंट, तो इसमें डाल दिया तो जार भी स्वच्छ हो जाएगा और हमें वो पानी भी इसमें आ जाएगा, सांभर में धोने के लिए भी अच्छा हो जाता है वो। फिर बाद में कितना चाहिए मुझे उतना पानी डाला था मैंने, फिर बाद में उसमें मैंने नमक डाल दिया। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और सी सॉल्ट लेती हूँ मैं, और लाल वाला रहता है नमक वही अच्छा लगता है मुझे, और थोड़ा सा गुड़, टेस्ट के अनुसार गुड़ कितना चाहिए उतना डालेंगे। उसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, छोटा सा चम्मच रखा है मैंने उसमें, इसलिए 3-4 बार डालती हूँ मैं सभी इंग्रेडिएंट्स, मसाले डब्बे का इंग्रेडिएंट्स जो रहता है। तो सांभर पाउडर भी डाल दिया मैंने। देखिए मेरी बेटी है आके हाय कह रही है आपको। तो सांभर वो हो रहा था और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी तट्टे इडली, जो मैंने बोला था ना प्लेट इडली, उसका स्टैंड दिखा रही थी आपको कैसा रहता है वो। बिग बाज़ार और सभी मार्केट में मिलता है, कहीं पे भी स्टील का दुकान रहता है ना वहाँ पे मिलता है अभी। तो यहाँ पर सांभर उबाल रहा था और बच्चों को भूख लग रहा था तो जल्दी करो बोल रहे थे, फटाफट से बन रहा था एक 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 काम। और यहाँ पर आटा दिखा रही हूँ आपको, वो 3/4 हुआ था बर्तन में लेकिन अभी देखिए पूरा भर गया है। पिछली बार मैंने जो डोसा का आटा बनाया था वो भी मैंने वीडियो किया था लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया तो मैंने वीडियो कैंसिल कर दिया, एडिट नहीं किया, डिलीट ही कर दिया। तब तो बाप रे पूरा नीचे भी गिर गया था बैटर, नीचे गिरकर पूरा गंदा फर्श और जो प्लेट रखा था उसमें सब भी में हो गया था।
इसलिए डर कर इसको भी नीचे भी एक प्लेट रखा था और इतना ही ऊपर आया था वो। फिर बाद में उसमें कितना चाहिए उतना पानी डाला कंसिस्टेंसी होने के लिए और नमक डाला, तो रेडी हो गया था वो बैटर, इडली का बैटर। जो नॉर्मल इडली का बैटर रहता है ना उतना ही रखना है, इसको भी रखना चाहिए। अभी ये देखिए कैसे खोलते हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको। ऐसा प्लेट रहता है, पांच प्लेट रहता है। मैंने थोड़ा छोटा सा लिया है प्लेट, और थोड़ा बड़ा बड़ा भी रहता है, लेकिन जब मैं लेने गई थी तो ऐसा वाला साइज़ ही था, और तीन का सेट था पांच का सेट था, तो मैंने पांच का लिया था। अभी मैंने तड़का एक बाउल में निकाल कर उसमें ही मैंने पानी, सॉरी पानी नहीं, क्या वो तेल डालकर ये आलू मैंने कट करके ऐसे फोक में ऐसे रखा था, ऐसे लगाने के लिए। हाथ से लगाए तो हाथ एक तेल तेल होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये इडली कुकर है, इसमें पानी कितना डाला है मैंने ऐसे दिखा रही थी आपको। तो ये बैटर डाल रही हूँ मैं प्लेट में। बहुत ही खिले खिले से इडली बने थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो इडली बनने के बाद। जो होटल में मिलता है ना इडली, ऐसे ही बना था। पोहा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनता है इडली। ये देखिए ऐसा स्टैंड में हुक्स रहता है, उसमें डाल रही हूँ मैं। पांच का सेट है तो बना रही थी, ऐसा लॉक कर देंगे तो वो गिरेगा भी नहीं। अभी ये सांभर भी पक रहा था अच्छा सा, तो उसको वहाँ बाजू में रखकर यहाँ पर मैंने गैस पर इडली कुकर को चढ़ा दिया था, और जोर रख कर इडली रख दिया। इडली का स्टैंड ऐसे अंदर रख के ऊपर ढक देंगे और 15 मिनट तक उसको उबालेंगे। वो साइड से वाइट कलर का एक भाप आता है तो पक गया है ऐसा हमें पता चलता है। ये लीजिए काकड़ी का, ये इन्होंने कट करके रखा था, नमक और चाट मसाला डालकर इडली हुआ क्या ऐसे पूछ रहे थे, अभी नहीं हुआ है बोले तो थोड़ा काकड़ी कट कर कर मुझे भी एक पीस दिया और सभी ने खाया। तो ये देखिए चेक कर रही हूँ मैं, हो गया है ऑफ करके 5 मिनट मैंने ऐसे ही रखा था, निकाला नहीं था। 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे, फिर बाद में उसको निकाल कर इडली का प्लेट निकाल लेती हूँ। ऐसे निकाल कर नीचे रखेंगे। देखिए कैसे बना है इडली, तट्टे इडली बोलते हैं, तट्टे मीन्स प्लेट, कन्नड़ में तट्टे बोलते हैं। इडली में भी बहुत ही वैरायटी बनाते हैं साउथ इंडिया में, मल्ली की इडली, तट्टे इडली, बेन्ने इडली, वैरायटीज रहता है। तो देखिए आपको दिखा रही थी मैं कैसे हुआ है, गरम था। एक बार मैं इडली का बैटर बनाया तो ऐसा 2 प्लेट हुआ था, दो नहीं 3 ट्रिप ऐसा हुआ था। फिर बाद में नेक्स्ट डे भी मैंने बनाया था, तब 2 प्लेट हुआ था। उतना बैटर बनता है ये, 1 किलो से थोड़ा कम इडली का बैटर मैंने बनाया था। वो आपको दिखाने के लिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था ना, तो थोड़ा उसमें बच गया था, लेकिन नेक्स्ट प्लेट अच्छा सा आया था इडली का। तो सांभर भी रेडी था और चटनी भी रेडी था, और इडली बन के भी रेडी हो गया, और सभी वेट कर रहे हैं कब आएगा सांभर चटनी इडली। ये देखिए आप भी बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है इडली।
प्लेट इडली भी बोल सकते हो, नहीं तो तट्टे इडली भी बोल सकते हो। और ये मेरा हिस्से का काकड़ी रखा था मैंने बाद में खाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कैसा लगा, और आप बनाकर मुझे कहिए, दिखाइए कैसे बनाएं, नहीं तो कहिए कमेंट सेक्शन में कहिए कैसे बना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।